हेलो डियर चिल्ड्रन, आई एम मोनिका गुप्ता फ्रॉम एमए इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 4 इन साइंस विच इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग बींग्स सच एज ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बॉर्न, ग्रो, लिव फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन, बेसिकली व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे बॉर्न, दे ग्रो, दे लिव एंड देन दे डाई। ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देन दे डाई, देन वो मर जाते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, जिस पीरियड के लिए वो रहते हैं, जिस पीरियड के लिए वो जीते हैं, जितना टाइम पीरियड, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, द लिविंग बींग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ योर ओन काइंड बिफोर दे डाई। टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अब लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, द लिविंग बींग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ योर ओन काइंड, उनके मरने से पहले उनके जैसे और लोगों को प्रोड्यूस करना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड, लाइक खुद के जैसे सिमिलर और प्रोड्यूस करना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, चाहे एनिमल्स में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो और प्लांट्स में भी हो। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, एनिमल्स में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। Animals such as cows, dogs, cats, mouse, elephants, lions and whales give birth to their young ones, like young ones or babies. तो कुछ animals कैसे होते हैं, जैसे कुछ animals है cows, dogs, cats, mouse, elephants, lions, whales, ये क्या करते हैं, young ones को birth करते हैं, इस तरह से इसमें reproduction होता है। Second way होता है, animals such as birds, fish, frogs, tortoise, crocodiles and snakes lay eggs. Their young ones hatch out of the eggs. देखो, animals reproduce in two ways. Some animals reproduce or produce their young babies or young ones. But some animals like birds, fish, frogs, tortoise, insects, crocodiles, snakes, they lay eggs. ये अपने eggs को lay करते हैं. Their young ones hatch out of the eggs. इनके young ones कैसे आते हैं, उस egg में से hatch out करते हैं. Like the animals that lay eggs. देखो, birds, now look, bird. Female birds lay eggs in their nest. Nest में female birds lay करती हैं eggs को, कहाँ होते हैं, आपने nest में देखा होगा, you must have seen कि nest में क्या होते हैं, birds के eggs होते हैं काफ़ी सारे। They build their nest by using the different materials such as twigs, pieces of old clothes, grass and leaves. किसके बना होता है nest, किसका prepared होता है, twigs, pieces of old cloth, branches or leaves or grasses. One of the parent birds sits on the eggs for some days to keep them warm. अब birds के जो parents, like male and female, one of the parents, चाहे father or mother, they sit on the eggs. वो eggs पे बैठते हैं for some time, कुछ time के लिए, to keep them warm, ताकि eggs को warm रख सकें, गर्म रख सकें. This process is called incubation. Incubation क्या process होता है? One of the parent bird sits on the egg for some days to keep them warm. The hard outer shell protects the egg. You must have seen egg की outer shell कैसी होती है, hard होती है. तो जो outer shell होती है, which protect the egg. The yellow part present in the center of the egg is called the yolk. There is also a yellow part present in the egg. Egg को अगर आपने देखा हो तो उसमें yellow part होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, yolk, YOLK, yolk. It contains a bright white spot that develops into a baby. ये होता है आउटर शेल, एग की आउटर शेल होती है, बहुत हार्ड होती है, जो प्रोटेक्ट करती है एग को, विच प्रोटेक्ट द एग. हेयर इज ऑल्सो अ येलो पार्ट, येलो पार्ट होता है विच इज कॉल्ड योक, एंड देयर इज अ सेंटर, इट कंटेन्स अ ब्राइट वाइट स्पॉट दैट डेवलप्स इंटू अ बेबी. अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग इज कॉल्ड द एम्ब्रियो. व्हेन द स्पॉट ग्रोज इंटू अ बेबी देन वी कॉल इट एम्ब्रियो. द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द योक. द डेवलपिंग एम्ब्रियो मीन्स जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, डेवलप नहीं, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो
obtains food from the yolk. वो कहाँ से अपना food लेता है? Yolk. And yolk is the yellow part present in the center of the egg. The white part of the egg called albumen surrounded the yolk. Yolk के surrounded में क्या होता है? White part होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? Transparent fluid होता है white part, which we called albumen, which surrounds the yolk. The white part of the egg called albumen surrounds the yolk. Albumin protects the embryo. Albumin protects the embryo from shocks and jerks. It provides water to the developing embryo. And albumin provides water to the developing embryo. Embryo ko water nutrients kaun provide karta hai? Albumin. The embryo goes through various stages, and when the chick is fully developed, it breaks the eggshell and comes out of the egg. The embryo goes through various stages. काफ़ी सारी stages से embryo होता है, काफ़ी उसकी stages होती है before they turn into adult. When and when the chick is fully developed, जब egg से क्या निकलता है? Chick. जो baby होता है insects birds के जो babies होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Chick. Is fully developed, it breaks the eggshell and comes out of the egg. तो जो outer eggshell होती है आपकी, आपकी eggshell hard होती है, outer shell होती है, तो वो automatic क्या होता है? Break out होता है and the chick comes out of the egg. This process is called hatching. Hatching means comes out of the egg. It comes out from the egg. The parent birds feed their babies till they are strong enough to look after themselves. The parent bird feed their babies. कब तक अपने babies को feed करते हैं? जब तक वो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते, तब तक वो कौन ध्यान रखता है उनका? उनके parents. Frog. A female frog lays hundreds of eggs at a time in a land और अपॉन अ फीमेल फ्रॉग. फीमेल फ्रॉग क्या करता है? काफ़ी सारे एग्स ले करते हैं वो, कहाँ पे? इन अ लैक और पॉन्ड, जहाँ पे वाटर हो. दीज क्लस्टर्स ऑफ एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स. अब काफ़ी सारे एग्स होते हैं, एग्स इन अ क्लस्टर, सो मैनी एग्स आर देयर, तो दिस इज दीज एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स. द एग्स आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स देम. एग्स आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस. कैसा सब्सटेंस होता है? जेली लाइक, विच प्रोटेक्ट द एग्स. The young ones of a frog is called tadpole. जो frog के babies होते हैं, young ones होते हैं, उन्हें हम frog नहीं कहते, we call them tadpole कहते हैं. A tadpole does not resemble a frog. जब young ones होते हैं frog के, तो वो frog जैसे नहीं लगते. It more resembles like a small fish. कैसे लगते हैं? Small fish. It has a long tail but has no legs. It breathes through gills in water. Water में किसके through breathe करते हैं? Gills के through. It swims in water and eats water plants. They swims also in water and eat water plants. After 5 weeks, 5 weeks पर changes होते हैं. The tadpole loses its tail. वो अपनी tail lose करता है and grows organs and limbs. Organs and limbs like पैरों को अपने grow करता है. In about 11 weeks, अब 11 weeks में क्या changes होते हैं? It transforms into a fully developed frog. इन अबाउट 11 वीक्स टैटपोल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? कम्प्लीट अडल्ट और डेवलप फ्रॉग. दिस कम्प्लीट चेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनस फ्रॉम द यंग स्टेज टू द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. द कम्प्लीट चेंज, उसके यंग एज से लेके अडल्ट एज तक जितने भी टोटल चेंजेस आए हैं, उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. हियर इज अ फ्रॉग, दिस इज अ अडल्ट फ्रॉग. अडल्ट फ्रॉग एग्स नंबर ऑफ लेज नंबर ऑफ एग्स. एग्स को जब नंबर ऑफ लेस को एग को ले किया, तो हमने उस क्लस्टर्स को कहा स्पॉन्स. देन एग्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टैटपॉल एंड टैटपॉल लुक्स मोर लाइक अ फिश. देन आफ्टर 5 वीक्स ये टेल क्या होती है? लूज हो जाती है और उसके फोर लिम्स या लिम्स प्रिपेयर होने लगते हैं, लाइक पैर उसके प्रिपेयर होने लगते हैं. लेग्स ब्रेक थ्रू 5 वीक्स में. देन उसके बाद यहाँ पे उसके पैर डेवलप हुए. देन आफ्टर 11 वीक्स इट कम्प्लीट्स इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ कम्प्लीट फ्रॉग. ये होती है. नाउ इंसेक्ट्स. Insects such as butterflies, cockroaches and grasshoppers reproduce by laying eggs. ये भी कैसे reproduce करते हैं? By laying eggs. They also lay their eggs. The eggs undergo various stages of development before transforming into an adult insect. So insects also undergo metamorphosis. जैसे frog की metamorphosis stage थी. Metamorphosis means changes from their young stage to the adult stage. ऐसे ही eggs undergo various stages of development before transforming into an adult insect. Adult insect बनने से पहले काफ़ी सारे stages में changes आते हैं. Insects भी metamorphosis करते हैं, like काफ़ी सारे उनके भी stages में changes होते हैं. The sequence of development that takes place in an animal from the embryo to the adult stage is called its lifespan. The sequence of development
दैट टेक्स प्लेस इन एन एनिमल. जितने भी डेवलपमेंट होते हैं एनिमल्स में फ्रॉम एम्ब्रियो से लेके अडल्ट स्टेज के बीच में, एम्ब्रियो से लेके अडल्ट स्टेज के बीच में जितने भी उनके अंदर डेवलपमेंट होते हैं उसे ही हम कहते हैं लाइफ साइकिल. उनकी लाइफ साइकिल चली, पहले एम्ब्रियो, देन वो यंग वंस में कन्वर्ट हुए जैसे, देन वो अगेन निम्फ, प्यूपा एंड लावा, उसके बाद वो फाइनली अडल्ट स्टेज में है. तो इसी साइकिल जो धीरे 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 कन्वर्जन होता है इन्हें हम कहते हैं लाइफ साइकिल. मेटामॉर्फोसिस हैज कम्प्लीट फोर स्टेजेस. अगर मेटामॉर्फोसिस टू टाइप्स होते हैं, कम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट. कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा तो फोर स्टेजेस होती है. एग्ग, सबसे पहले एग, देन एग किस में कन्वर्ट होगा, लावा, देन लावा कन्वर्ट्स इंटू प्यूपा, एंड देन प्यूपा कन्वर्ट्स इंटू अडल्ट. इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर टिपिकली गो थ्रू थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो थ्री स्टेजेस ऑफ होती हैं. उनकी कितनी स्टेजेस होती हैं, थ्री स्टेजेस. देयरफॉर दे आर नोन टू हैव एन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वाई, बिकॉज दे डू नॉट हैव फोर स्टेजेस. इनके थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द एग्स ऑफ द इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म इंटू अ फॉर्म कॉल्ड अ निम्फ. एग किस में कन्वर्ट होता है, कॉकरोच या ग्रास हॉपर का एग कन्वर्ट्स इंटू निम्फ. एंड इट डज नॉट हैव विंग्स, डज नॉट हैव विंग्स. द निम्फ शेड्स इट आउटर कवरिंग और आउटर स्किन नंबर ऑफ टाइम्स एंड चेंजेस इंटू एन अडल्ट. दिस इज नोन एज मॉल्टिंग. वॉट इज मॉल्टिंग, द निम्फ शेड इट्स आउटर कवरिंग और आउटर स्किन नंबर ऑफ टाइम्स. काफ़ी बार निम्फ क्या करता है, अपनी आउटर कवरिंग को या आउटर स्किन को शेड करता है. And then it changes into an adult. And this process is known as molting. Here is the life cycle of cockroach. Egg converts into nymph and the nymph directly converts into adult by shedding its outer skin. Life cycle of a butterfly. A butterfly has four stages of development in its life cycle. The butterfly has four stages. It means it has complete metamorphosis. It lays eggs on leaves. Butterfly lay eggs on leaves. The eggs hatch to produce larva. Eggs hatch means eggs hatch out like baharai to produce larva. The larva looks like a worm. Larva looks like a worm. The larva of a butterfly is called caterpillar. The larva of butterfly. Butterfly ke larva ko hum kya bolte hain? What do we call the larva of butterfly? Caterpillar. And larva of housefly is maggot. So larva of butterfly is called caterpillar. Larva get their food from leaves. The third stage is the pupa. First one, egg, butterfly lay their egg. Egg converts into pupa. Larva. And then larva converts into pupa. In this stage, larva cover themselves with a thread-like structure called cocoon. In this stage, dekho, larva cover themselves with a thread-like structure. Thread-like structure hota hai, which we call it cocoon. The caterpillar undergoes transformation inside the cocoon. So many transformation occurred inside the cocoon. And adult emerges from the cocoon. And adult butterfly emerges from the cocoon. इसी cocoon में से क्या होता है, एक adult butterfly emerge हो जाती है. जैसे यहाँ पर procedure दे रखा है, butterfly it lay eggs, eggs convert into larva, then larva converts into pupa, and then pupa hatch out to form butterfly. Life cycle of a butterfly. Houseflies also undergo four stages of development in their life cycle and exhibit complete metamorphosis. Of course, जब complete metamorphosis, it means four stages complete होंगी. The housefly lays hundreds of eggs at a time. The larva of a housefly is called maggot and larva of butterfly is called caterpillar. After some days, the larva becomes barrel-shaped. This is now called a pupa. Pupa is covered by a cocoon. It also breaks up in a week and young housefly comes out. This is same as the butterfly. Dekho, housefly lay eggs, eggs converts into larva and the larva of housefly is called maggot and larva of butterfly is called caterpillar. Then larva becomes barrel shaped and known as pupa. Pupa is covered by a cocoon. It is also covered by a cocoon. It also breaks up in a week. एक week में सारे complete cocoon के अंदर ही सारे metamorphosis changes हो जाते हैं. Then housefly comes out. Young housefly comes out and then it changes into an adult housefly. Fish too lay their eggs in water. Fish also lays their eggs in water. They lay thousands of eggs at one time. काफ़ी सारे eggs को ले करते हैं at one time, at a single time. But many of these are eaten by other big fish. The young fish hatch from these eggs.
दीज एग्स से क्या होता है, यंग फिश छोटी छोटी सी फिश क्या करती है, हैच आउट फ्रॉम दीज एग्स. मोस्ट फिश लीव द एग्स वंस दे आर लेड एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ दैम. काफ़ी फिश, मोस्ट ऑफ द फिश लीव देयर एग्स, उन्होंने ले एग्स को ले किया, देन दे लीव वंस दे आर लेड एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ दैम, देन दे डू नॉट टेक केयर, वो उसका ध्यान नहीं रखती है. सम फिश कैरी देयर यंग एग्स और यंग वंस विद दैम, कुछ तो ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, अपने लैग एक ही एंड देन शी गो गोज. लेकिन कुछ फिश क्या करती हैं, दे कैरी देयर एग्स, वो अपने एग्स को कैरी करती हैं और यंग वंस विद दैम उनके साथ में ही कैरी करती हैं. द सी हॉर्स विच इज़ अ स्मॉल सी फिश, सी हॉर्स बेसिकली इज अ स्मॉल सी फिश, कैरीज इट्स एग्स अराउंड इन अ पाउच. वो क्या करती हैं, उनके एग्स को कहाँ कैरी करती है, इन इट्स पाउच. रेप्टाइल्स सच इज लिजार्ड्स टर्टल्स स्नेक्स ऑल्सो ले एग्स. कुछ रेप्टाइल्स, व्हाट आर रेप्टाइल्स, क्या होते हैं, जो क्रॉल करते हैं, दे डू नॉट वॉक और रन, दे क्रॉल. टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स डिक शैलो पिट्स जनरली नियर द रिवर बैंक्स एंड ले एग्स देयर. टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स व्हाट डू दे डू, दे डू डिक शैलो पिट्स, ये छोटे छोटे से पिट्स डिक करते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे डिक करते हैं, जनरली नियर द रिवर बैंक्स. रिवर बैंक्स क्यों, क्योंकि ये वहीं रहते हैं, पानी के आसपास ही तो रहते हैं, पानी में ही रहते. एंड ले एग्स देयर, अपने एग्स कहाँ ले करते हैं, वहीं पर. क्रोकोडाइल्स कैरी देयर यंग वंस टू द वाटर बॉडी आफ्टर द एग्स हैच, जैसे ही एग्स हैच किए क्रोकोडाइल अपने बेबी को अपने साथ में ही लेके चला जाता है. एंड टेक केयर ऑफ दैम फॉर सम टाइम, और वो खुद ही अपने बेबी का थोड़े टाइम तक ध्यान रखता है, अनटिल दे ग्रो, अनटिल दे टर्न इंटू अडल्ट. एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू यंग वंस, द एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. वो एनिमल्स जो बर्थ करते हैं, अभी हमने पढ़ा जो ले करते हैं एग्स को, बट देर आर ऑल्सो एनिमल्स, हमने टू टाइप्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन के, रिप्रोड्यूस इन टू वेज, फर्स्ट वन एनिमल्स विच ले एग्स एंड सेकेंड एनिमल्स गिव्स और प्रोड्यूस द यंग वंस. द एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. मैमल्स कहते हैं उन्हें, उन एनिमल्स को, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में ही कंसिडर होते हैं, क्योंकि वो अपने यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दीज इंक्लूड डॉग्स, कैट्स, मंकीज, टाइगर्स, cows, elephants, horses and human beings. Why? Because they give birth to young ones. ये eggs lay नहीं करते, they give birth to their young ones. Like tiger, rabbit, mouse and so many examples. Whales, dolphins and bats also give birth to young ones. ये whales होती हैं, dolphins, bats, कुछ examples ऐसे होते हैं, कुछ animals होती हैं, क्या करते हैं, birth करते हैं young ones को, they do not lay their eggs. The young ones of mammals grow inside the body of a mother for many weeks. Mammals ki young ones kya hota hai? When you grow up, grow inside the body of the mother. Jab hum hote hain to hum kya hote hain? Sabse pehle hum mother ki body mein hote hain for some time, for many weeks. When the babies are born, they cannot take care of themselves. Jab baby born hota hai to uska khayal wo khud nahi rakhta na. Obviously mother take care of the baby. The mother cares for them, feeds them and protects them. Till they can look after themselves. Same human beings and same with some animals. जब बेबी छोटे होते हैं तो मदर केयर्स फॉर दैम, मदर उनकी केयर करती है, फीड्स दैम, उनको खाना वही खिलाती हैं, एंड प्रोटेक्ट्स दैम, बेबीज को प्रोटेक्ट करती हैं, अनटिल दे कैन लुक आफ्टर themselves, जब तक वो खुद अपना ख्याल नहीं रखते. सम मैमल्स सच एज टाइगर टीच देयर यंग वंस टू हंट. कुछ मैमल्स जैसे टाइगर अपने बेबी को क्या सिखाता है, हंटिंग करना, हंट करना, कि अब क्योंकि टाइगर को सर्वाइव कैसे सर्वाइव करता है, हंट करके. जब तक वो किसी एनिमल को नहीं मारेगा, तब वो उसको नहीं खाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सो टाइगर टीच देयर यंग वंस टू हंट, आफ्टर सम टाइम दे कैन लिव ऑन देयर ओन. उसके बाद जब टाइगर का बेबी थोड़े यंग अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दे कैन लिव ऑन देयर ओन, वो खुद रह सकता है. कंगारूज हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस. जैसे सी हॉर्स अपने बेबीज को पाउच में रखते थे, अपने पास ही रखते थे, इन द सेम वे कंगारूज हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस. Animals that carry their young ones in their pouch are called marsupials. Marsupials animals कौन से होते हैं, वो animals which carry their young ones in a pouch. जैसे सी हॉर्स में क्या सिमिलैरिटी है, वो भी अपनी बेबीज को पाउच में कैरी करते हैं. kangaroos भी अपनी बेबी को पाउच में कैरी करते हैं, उन्हीं animals को हम कहते हैं marsupials. Here we have completed your chapter number 4. Thank you.